अनुस गार्डन के मेरे सभी दोस्तों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दो दिन के बरसात ने मेरे फूल बागान को बहुत ही नष्ट किया है। देखिए यहाँ पर टेकोमा के जितने फ्लावर थे सभी गिर चुके हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन क्या करें, बरसात की भी आवश्यकता हमें होती है किसानों के लिए। देखिए यहाँ पर सारे पत्ते गिर चुके हैं मेरे गार्डन में, तो इसे साफ करना मुझे लगभग 2 या 3 दिन तो लगेंगे ही। देखिए इतना गंदा हो गया है मेरा ये गार्डन इस प्रकार से। देखिए कितने सुंदर थे मेरे गोल के, देखिए कितने सुंदर फूल सारे जमीन में पड़े हुए हैं बेचारे। चारों ओर पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं, उन्हें साफ करने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। तो यहाँ देखिए दशहरे के टाइम में इतनी ज़्यादा धूप हुई थी 3-4 दिन, तो सारे बच्चे मामा घर गए हुए थे, तो मैं इन्हें पानी तक देने नहीं पाई। तो देखिए सूख गए हैं और अभी अधिक वर्षा हो गई है। तो गार्डनर के लिए बहुत ही चैलेंज होता है ये मौसम, कभी ज़्यादा बरसात भी फूलों को नष्ट कर देती है और कभी ज़्यादा धूप भी। किसी भी हालत में धूप और बरसात अधिक होने से ये फूल सारे नष्ट हो जाते हैं। ये मेरे 4 o'clock के फूल भी देखें कितने मुरझा गए हैं। टेकोमा के इतने फूल खिले हुए थे आप सबों के समय, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था, लेकिन देखिए सारे बरसात ने इसके फूल को गिरा दिए। तो आशा करती हूँ और भी फूल आएंगे इसमें। तो चारों ओर मेरे गार्डन में पत्ते ही पत्ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तो मेरा ये जो मैरीगोल्ड का इतना सुंदर फूल खिल रहा था देखिए, तो सारे ज़मीन में पड़ गए थे। मैं इन्हें आज ये देखिए बांस के सहारे मैं आज इसे बांध दिया है मैंने। तो इस प्रकार से चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता ही है। तो प्रकृति के इस उतार चढ़ाव के साथ हमें जूझना ही पड़ता है। तो अनुज गार्डन के मेरे सभी दोस्तों को और अंत में मैं विदा लेना चाहती हूँ, और आप सबों के प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा शुक्रगुजार करते हुए मैं आज का वीडियो यहीं से शेष करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा चाहती हूँ, धन्यवाद।